गाइस रक्षाबंधन आ रहा है और अपने भाई या बहन को क्या गिफ्ट करें? डोंट वरी अबाउट दैट, हियर कम्स अ क्यूट लिटिल बास्केट। देख रहे हैं ना कितना प्यारा है? चलिए देख लेते हैं कि इसको बनाना कैसे है। इसमें कुछ भी डाल सकते हैं आप, गिफ्ट्स डाल सकते हैं, चॉकलेट डाल सकते हैं, राखी इनफैक्ट आप डाल सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस हमें लेना है कोई भी चार्ट पेपर। मैंने रेड कलर का लिया है क्योंकि बहुत प्रिटी लग रहा था, आप किसी भी कलर का ले सकते हैं। उसके बाद हमें करनी है कुछ इस तरीके से स्ट्रिप्स कट। सो हमें कुछ इस तरीके से स्ट्रिप्स कट करनी है। यहाँ गलती ये कि मैंने कि पहले मैंने छोटी छोटी स्ट्रिप्स कट करी है, लेकिन मैंने आगे जाके अपनी गलती को सुधार लिया जी और स्ट्रिप्स को लंबा कट किया है। तो आप भी आगे इनकी जो लेंथ है वो लॉन्ग ही रखिएगा, ताकि जो फ्रिल्स हैं जो जब रोल करेंगे तो बहुत सुंदर निकल कर आएगा। सो जो रोल कर रहे हैं, एज यू कैन सी हम ऑपोजिट डायरेक्शन में रोल कर रहे हैं। एंड टडा, अब इसको हम इस तरीके से पेस्ट कर देंगे। बहुत आसान, आई एम टेलिंग यू, प्लीज ट्राई दिस एट होम। सी आई टोल्ड यू ना, गलती सुधारी है मैंने तो यहाँ पर मैंने वो गलती सुधारी है, बट प्लीज आप वो गलती पहले मत करना। एंड नाउ रॉक एंड रोल, बोल बेबी बोल। यस, ओनली रॉक एंड रोल। चलिए जी, अब ये तो हमारा डन हो गया है। अब बास्केट बनाना है तो ऑफकोर्स नीचे का बेस भी बनाना होगा। तो बेस हमारा बहुत आसानी से कुछ इस तरीके से बन जाएगा। एक आउटलाइनिंग लेनी है और उसके बाद आपस में बॉर्डर के साथ उसको पेस्ट कर देना है। और पेस्टिंग हमारी बहुत ईजिली हो जाए तो इस तरीके से यहाँ पर मैं कट भी कर रही हूँ। Now let's make some flowers to make it more beautiful. अब कटिंग एंड पेस्टिंग तो हो गई आसानी से, पर ये दिख रहा है उसका क्या करें? तो उसको छुपाने के लिए हम यूज करते हैं ग्लिटर शीट, और वो हम कट करेंगे कुछ इस तरीके से, एंड देन वी विल पेस्ट इट अराउंड। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं वेट करूँ, तो सिंपली क्या करना है, स्टेपलर से स्टेपल कर देना है। टडा! और अब बारी आती है हमारे प्यारे प्यारे फूलों की। वैसे तो आई नो यू नो द ड्रिल, बट स्टिल मैं थोड़ा सा याद दिला देती हूँ कि प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। एंड यस, कमेंट डाउन बिलो कि आपको वीडियो कैसा लगा और आप आगे और क्या देखना चाहते हैं।